हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ बूंदी लड्डू शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और न्यू रेसिपी को जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें। आइए हम बूंदी लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हम लेते हैं 200 ग्राम बेसन, चीनी 200 ग्राम, मगज के बीज 2 चम्मच, इलायची इसको हम कूट लेंगे चाशनी में डालने के लिए, काजू इसके भी बारीक काट लेंगे, घी बूंदी फ्राई करने के लिए, पानी बैटर बनाने के लिए, ऑयल लेंगे 1 टेबलस्पून। झर मैं इससे बूंदी निकाल कर दिखाऊंगी, आप ये नहीं है तो इससे भी निकाल सकते हैं। आइए हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने बाउल में बेसन को डाल लिया है। हम इसमें सिर्फ छोटी 1 चम्मच हल्का सा ऑयल डालेंगे, छोटी 1 चम्मच जितना। अब हम इसका बैटर रेडी करेंगे। पानी से पहले हम थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि लम्स ना पड़े, थोड़ा और डालेंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बैटर बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ होना चाहिए। आप देख सकते हैं बेसन को हमने मिला लिया है, बिल्कुल स्मूथ है। हम इसे पतला करेंगे, थोड़ा पानी और डालेंगे। इकट्ठा पानी हम नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छे से इसको फेंटेंगे। इसे ना ही ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही गाढ़ा, मीडियम बैटर रखेंगे इसका। मैं आपको दिखाऊंगी इसको, थोड़ा पानी और डालेंगे, अभी ये गाढ़ा है। इसमें लगभग 1 ग्लास पानी लग गया है। हम इस बैटर को, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है और ये एक ही तार में गिर रहा है, ये देखिए लंबाई में। हम इसे थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं पतला करने के लिए। ये देखिए एक ही लय में गिर रहा है ये। अब हम इसे तब तक फेटेंगे जब तक ये बिल्कुल स्मूथ नहीं हो जाता, कम से कम हम इसे 10 मिनट तक फेटेंगे। हमें इसे फेटते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। हमने 10 मिनट तक एक ही लय में इसको फेटा है। मैं आपको दिखाती हूँ बैटर कैसा है। ये देखिए एक ही लय में गिर रहा है, आप देख सकते हैं। बैटर हमारा ऐसा ही होना चाहिए जो बीच में टूटे नहीं, एक ही लय में कितने अच्छे से गिर रहा है। हमारा बूंदी का बैटर बनकर रेडी है। अब हम घी गर्म करेंगे। हमने गैस पर घी गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, और मैंने थोड़ा बैटर एक कटोरी में निकाल कर रेड कलर दिया है। थोड़ी बूंदी रेड कलर की इसमें बनाऊंगी और थोड़ा ग्रीन कलर ऐड किया है जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है। हमारा घी गर्म हो गया है, हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको बूंदी को निकालेंगे, लो फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो बूंदी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम बैटर डालते हैं। ये देखिए हम इसको मीडियम आंच पर ही रखेंगे। मैं आपको बूंदी दिखाती हूँ कितनी अच्छी निकली है, बिल्कुल गोल गोल एक समान निकली है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हम इसी तरह से सारी बूंदियाँ निकाल लेंगे और इसको आधा मिनट तक सिकने देंगे, ब्राउन तक, ब्राउन होने तक। फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं कितनी गोल गोल बराबर बूंदी निकली है। अब हम बूंदी को बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम पूरी बूंदी निकाल लेंगे। हमने सारी बूंदी निकाल ली है, थोड़ी मैंने ग्रीन कलर की निकाली है, थोड़ा मैंने रेड और बाकी येलो। आप देख सकते हैं कितनी गोल गोल बूंदी निकली है और बिल्कुल क्रंची है ये। ये देखिए आवाज़ आ रही है,
मुंदी निकालते वक्त आप ध्यान रखें घी हमारा गर्म ही रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम हाई फ्लेम पर ही रहना चाहिए और बैटर को हम कम से कम 10 मिनट तक फेटेंगे जिससे हमारी बूंदियाँ गोल गोल निकलेंगी। इसमें एक छोटी चम्मच ऑयल जरूर डालें जिससे हमारी बूंदियाँ अच्छी बनती हैं। आइए हम चास्ती बनाते हैं। गैस पर पैन रख लिया है, चीनी डाल दी है, इलायची भी डाल दिया है, 200 ग्राम चीनी, 100 ml पानी, चीनी का आधा हम पानी डालेंगे और इसे भूलेंगे। हमने यहाँ चाशनी को गाढ़ा कर लिया है थोड़ा, हम चेक कर लेते हैं इसको एक तार बना है कि नहीं, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे। देख सकते हैं अभी थोड़ी सी कसर है, पूरा तार नहीं बन रहा है, इसको एक मिनट और पकाते हैं। हमने यहाँ 1 से 1.5 मिनट फिर पका लिया है, हम दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। थोड़ा ठंडा करके लेंगे, आप देख सकते हैं तार बन रहा है, ये देखिए, इसका मतलब हमारी चास्ती बनकर रेडी है। ये देखिए पूरा एक तार बन रहा है, हम इसे बंद कर देते हैं। हम बूंदी को एक बड़े पैन में डाल लेते हैं, कढ़ाई में डाल लिया है हमने इसे। अब हम इसमें बारीक काजू जो मैंने काट लिए हैं और ये मगज के बीज, मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है, सेक लिया है 2 मिनट के लिए खाली पैन में, इसको हम मिला देते हैं और इसमें चाशनी डाल देते हैं। चाशनी को डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं जब तक कि ये थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता। हम अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं क्योंकि हम इसे हाथ से बनाएंगे, अब हम इसको इजीली हाथ लगा सकते हैं लड्डू को। हम इसे हाथ से थोड़ा सा मसल लेते हैं, थोड़ा सा इसको हाथ तभी लगाना जब ये थोड़ा सा हल्का गर्म हो। हम इसे मैश कर लेते हैं थोड़ा 5 मिनट। बूंदी को हाथ से मिला लिया है, अब हम हाथ में घी लगा लेते हैं दोनों हथेली पे और इसके लड्डू बनाएंगे। आप जो साइज बनाना चाहें अपनी मर्जी से बना सकती हैं, छोटे बड़े, मैं मीडियम साइज बना रही हूँ। इसी तरह से हम हाथ पे चिकना लगाकर लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल भी हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी है, देसी घी में बने हैं। इसी तरह से हम सभी लड्डू को बना लेते हैं। एक लड्डू और बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसी तरह से हम सभी लड्डू को रेडी करेंगे। हमने यहाँ सभी लड्डू को बना लिया है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल हैं। हम जल्द ही एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।